हाय फ्रेंड्स, आज मैं कुछ पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर बात करना चाहूंगी। अभी मतलब हमारी जो लाइफ है वो इतना ज्यादा बिजी है। हम लोग अपनी लाइफ में कल को अच्छा बनाने के लिए आज को खराब कर रहे हैं। हम लोग आज इतना एफर्ट्स कर रहे हैं कि उस एफर्ट्स के चलते हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उस चीज का इफेक्ट बहुत गलत हो रहा है। माँ बाप से हमारी दूरियां बन रही हैं, बच्चों से हमारी दूरियां बन रही हैं, बच्चे कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो रहे हैं माँ बाप से। और वहां पे काफी चीजें मतलब मैंने नोटिस किया कि इतनी दिक्कतें आ रही हैं। बच्चा 24 घंटे मतलब पेरेंट्स को भी नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है। अभी हाल ही की एक बात है, तो मैं किसी शादी में गई हुई थी, वहां पर एक 3 साल की बच्ची थी। जो 3 साल की बच्ची मैंने देखा, उसके मम्मी पापा उसको खाना खिलाने में इतने एफर्ट्स कर रहे थे, और मतलब उसके जो फादर थे वो फादर फोन दिखा रहे थे बेटी को, और मम्मा उसकी खुद से मतलब उसको खाना खिला रही थी। मतलब 3 साल का बच्चा खुद से खाना नहीं खा रहा है। मतलब ठीक है, बच्चा छोटा है, बट आपने सिखाया नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बच्चों को खाना सिखाओ, बच्चे को हंसना सिखाओ, बच्चे को बोलना सिखाओ, बच्चे को चलना सिखाओ। पेरेंट्स के पास वो टाइम है ही नहीं। पेरेंट्स इतना बिजी हैं अपने ऑफिस लाइफ में, अपने डेली रूटीन में। ठीक है, आप 7 दिन बिजी रह सकते हैं, आप 7 दिन काम करते हैं, लेकिन आप 7 के 7 दिन बिजी नहीं रह सकते। आपको कोई एक दिन ऐसा चूज करना होगा जो डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के लिए। उस एक दिन को पूरा डेडिकेट कर दीजिए बच्चों को। उस दिन नो फोन, नो कॉल, नो मैसेज, नो ऑफिस वर्क। उस दिन पूरा दिन बच्चों के लिए या फिर पूरा दिन आप अपने पेरेंट्स को दीजिए, क्योंकि माँ बाप भी जब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे होते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों की जरूरत होती है। और जो बच्चे होते हैं छोटे, उन्हें तो अपने माँ बाप की जरूरत होती ही है। और कहीं ना कहीं वो संस्कार जो हमें देने चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे, टाइम की कमी से कह लीजिए या फिर किसी भी कमी से कह लीजिए, वो हम टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आ रहे। धीरे धीरे हम नोटिस कर रहे हैं कि इतनी चीजें खत्म होती जा रही हैं। पहले कोई भी फेस्टिवल होता तो हम इस फेस्टिवल को इतने अच्छे से मनाते थे, लेकिन अब क्या है, वो सब चीजें धीरे 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 कम हो गई है।